हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे केमिस्ट्री ऑफ पंचगव्य। पंचगव्य क्या होते हैं, इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। भारत की संस्कृति बिना पंचगव्य के अधूरा अपूर्ण है। गाय हमारी संस्कृति की आधार रही है, इसलिए आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं गाय से मिलने वाले पांच पदार्थों जिनके द्वारा पंचगव्य बनाया जाता है। पंच का मतलब होता है पांच, गव्य का मतलब गाय से मिलने वाले पदार्थ। ये पांच पदार्थ होते हैं घी, दही, गौमूत्र, दूध और काउडंग यानी गोमल। इन पांचों के आधार पर, इन पांचों के कॉम्बिनेशन से ही पंचगव्य बनता है। तो आइए हम समझते हैं इस पूरे एपिसोड में क्या होता है पंचगव्य, इसको कैसे बनाया जाता है। जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तुक्का ऐसे ही धार्मिक चीजों को लेकर बना दिया। इसके बारे में हमने ढेर सारे रिसर्च पेपर को पढ़ा, उसके बाद मुझे कंक्लूसिव मुझे रिसर्च पेपर मिला जिसका नाम है पंचगव्य और प्रेशियस गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड। इसको मैंने पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जा सकता है। ये आसानी से फ्री में आपको अपने गूगल पर इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था रही है, और जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो तो बिना गाय के वो अधूरा होता है। न तो कृषि बहुत ज्यादा उन्नति करती है, न तो अर्थव्यवस्था। हमें अपने कृषि को फिर से उन्नतशील प्रगतिशील बनाने के लिए गाय की शरण में जाना होगा, गौपालक बनना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ये जो मैं रिसर्च पेपर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसको नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन NCBI ने पब्लिश किया है। इसको पंचगव्य और प्रेशियस गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड, जिसके बारे में काम किया है कोमल के बजाज और इनके साथियों ने, इसको जनवरी 2022 में ही ऑनलाइन पब्लिश किया गया है। इसका DOI नंबर, रिसर्च का DOI नंबर जो होता है, स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, गाय के बारे में क्या मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं। आप सभी भारत में, भारत के जो भी निवासी हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए गाय कोई अनभुज पहेली नहीं है। गाय के बिना भारत नहीं है, गाय के बिना भारतीय संस्कृति नहीं है, भारत की अस्मिता नहीं है। गाय का दूध, घी, दही, गोबर और यूरिन, ये औषधियों भारतीय पूजा संस्कृति हर जगह का अभिन्न अंग रहा है। तो आइए हम इसको साइंस के बेस पर, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बेस पर, इन पंचगव्य का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपाउंड या कंपोजिशन होता है, इसको समझते हैं। इसका मेडिसिनल यूज क्या है, इसका बायोलॉजिकल यूज क्या है, इन सारी चीजों को हम अपने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम आपको रेफरेंसेस भी शेयर करेंगे, किस रेफरेंस के बेस पर मैं सारी चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं। दही को आयुर्वेद में, संस्कृत लिटरेचर में इसको दधी नाम से बोला जाता है। तो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कर केमिस्ट्री एंड बेनिफिट्स, दही, इसका रसायन और इसके लाभ। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो दही में पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, बी, डी और ई होता है। साथ साथ इसमें मेटल्स में कैल्शियम होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक होता है। इसका हेल्थ बेनिफिट्स होता है, यह ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है, यह खून को शोधन के लिए यूज होता है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, साथ साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि आप किसी कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी दूसरे काम से आप जा रहे हो, तो घर पर माँ, बहन या जो भी आपके घर पर उस समय है, आपको दही और चीनी या गुड़ और दही जरूर खिलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिन शुभ हो, ऐसी मान्यता है। क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो आपका दिन अपने आप अच्छा होगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया तो ओवरऑल आप कितने भी कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करने वाले हों, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दही चीनी देने की परंपरा यही है। शादी में सुबह के समय दूल्हे को भी दही चीनी, उसका मुंह जूठा कराया जाता है। इसके पीछे भी होता है, अगर रात में वो कुछ ज्यादा
ऑयली चीजें खा लिया हो तो दही चीनी से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से मेंटेन हो जाए। इसके मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, बालों में आप लगा सकते हैं, यह एंटी फंगल की तरह काम करता है। एंटी एचआईवी के लिए भी इसका उपयोग देखा गया है। इसको डाइजेस्टिव एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, साथ साथ पाइल्स की समस्या जिनके साथ होती है आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा तला भुना तीखा चीजें खाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है और उसका नतीजा पाइल्स होता है। तो पाइल्स की समस्या को निदान करने के लिए दही एक बहुत ही कारगर है, क्योंकि दही जो विटामिन का स्रोत होता है साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पाइल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम दोस्त यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे गाय के गोमल यानी गाय के गोबर के बारे में, डंग, केमिस्ट्री एंड बेनिफिट्स। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, के मीन्स फास्फोरस, इसमें के मीन्स पोटेशियम, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, म्यूकस और लिग्निन इसमें पाए जाते हैं। इसकी इसमें साथ साथ माइक्रोबियल कंटेंट भी होते हैं, सैक्रोमाइसिस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, बैसिलस होता है, स्ट्रेप्टी कोकस होता है और कैंडिडा होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो माइक्रोबियल कंटेंट को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं है उसके लिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये 8 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा और फिर आप देखना पसंद नहीं करोगे। इसके मेडिसिनल यूज क्या क्या है, गोबर के ये एंटी फंगल के रूप में यूज होता है, किसी को दांत खाज इन सब की समस्या है एंटी फंगल के रूप में इसका यूज होता है, एंटी बैक्टीरियल इसका यूज होता है, स्किन टॉनिक होता है, एंटी मलेरियल इसका यूज होता है और टीबी के लिए यूज होता है, साथ साथ ये आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला भी होता है। गाय के गोबर से यदि आप अपने पक्के घर को भी अगर इससे लेप करते हो तो इसकी वजह से रेडिएशन इफेक्ट कम से कम होता है और घर में ठंडक बनी होती है, मच्छर इन सब का इफेक्ट भी बहुत ही कम होता है। ऐसा थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंट के बेस पर, रिसर्च पेपर के बेस पर ही ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एग्रीकल्चर यूज, अगर भारत खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर लोग गांव से आते हैं तो उनको मालूम है फर्टिलाइजर में गाय के गोबर से अच्छा कोई खाद नहीं होता है। हर्बल टूथपेस्ट आजकल बनाए जाते हैं, मार्केट में इनका ट्रेंड है, इसके लिए भी गाय के गोबर का ही उपयोग किया जाता है। किसान का मित्र केचुआ को बोला जाता है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। किसान मित्र केचुए का ग्रोथ जो होता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, अगर आप खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में यदि गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर का से हमें शॉर्ट टर्म में फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो इसके ढेर सारे नुकसान हैं, इवन कि जीन म्यूटेशन तक की समस्या अब आने वाले समय में शुरू हो गई है। इसके इफेक्ट अभी देखने को मिले, इस पर रिसर्च भी चल रहा है, तो जीन म्यूटेशन को रोकने के लिए भी केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा हमें डंग यानी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर की ओर ध्यान देना होगा, इसकी ओर जाना पड़ेगा। घी, कहा जाता है कि जितना पुराना शहद, पुराना घी और पुराना गुड़, पुराना चावल होता है वह दिव्य औषधियों के रूप में चेंज हो जाता है, परिणित हो जाता है। अगर घी के हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो घी में एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, साथ साथ शॉर्ट टर्म छोटे फैटी एसिड्स के समूह भी होते हैं। इसमें जो फैटी एसिड्स कौन कौन होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होते हैं, साथ साथ इसमें विटामिन ए, डी, ई और के होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, खाने से आधे घंटे पहले यदि आप घी 1 से 1.5 चम्मच आप यूज करते हैं टीस्पून, तो उससे आपके उसके बाद आप भोजन करते हैं आधे घंटे बाद, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, उस दिन तो एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। ये अजमाया हुआ, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। चेहरे पर यदि आपके रूखापन है तो आप शाम को सोते समय एज ए ब्यूटी इन्हेंसर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, चेहरे पर घी लगा सकते हैं। देसी घी में गेहूं का हलवा बनाने से मेमोरी इन्हेंसर की तरह भी काम करता है। मेडिसिनल इफेक्ट इसका क्या होता है, या आंखों की रोशनी को यानी कि आंखों की ज्योत को बढ़ाने का काम करता है। गर्म घी के साथ कटे फटे या चोट लगे हुए स्थान को अगर हम ट्रीट करते हैं तो
घाव जल्दी सूखते हैं। एंटी एस्थमेटिक इसका यूज होता है, साथ साथ एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक के रूप में भी घी का उपयोग किया जाता है। यूरिन केमिस्ट्री एंड बेनिफिट, ढेर सारे लोग हिंदुओं का इसलिए मजाक भी उड़ाते हैं कि वो गौमूत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों मजाक तो किसी का उड़ाया जा सकता है, अज्ञानतावश भी उड़ाया जा सकता है। कोई भी चीज यदि है तो उसके पीछे एक बेनिफिट, उसके पीछे एक साइंस भी होता है। खासकर मैं यहाँ भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की परंपरा की बात कर रहा हूं। भारत में कोई भी चीज अनायास नहीं है। भारत ही एक ऐसा, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे साइंटिफिक रिसर्च को कहानियों के रूप में परिणित किया, जो पुराणों के रूप में है। उन कहानियों को, अफसोस की बात है कि हमने अपने ज्ञान को, अपने वेदों के ज्ञान को पुराणों के रूप में जो कहानियां हैं उन कहानियों को समझा और उन ज्ञान को छोड़ दिया। इसकी वजह से ही हम आज भारत की जो दुर्दशा मध्यकाल में हुई, गुलामी का कालखंड रहा, ये सारी चीजें रही, इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमने केवल अपने कहानियों को सुना, उसके पीछे छिपे हुए ज्ञान को, उसके मर्म को, उसके महत्व को नहीं समझा। तो दोस्तों केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गाय के गौमूत्र में आयरन होता है, जो आयरन क्या करता है, RBC रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को इनहेंस करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, साथ साथ कैल्शियम की वजह से बोन यानी हड्डियों में मजबूती आती है। इसमें सल्फर होता है, सल्फर ब्लड क्लींजर के रूप में, रक्त शोधन के रूप में काम करता है। सोडियम होता है, सोडियम ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करता है, सोडियम के साल्ट होते हैं। अमोनिया होता है, अमोनिया ब्लड फॉर्मेशन के, खून के बनने की दर को इनहेंस करता है। कार्बोनिक एसिड होता है जो जर्म को मारता है, यानी जर्मिसाइडल इफेक्ट इसका होता है। इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से, कार्बोनिक एसिड भी जर्मिसाइड की तरह काम करता है। इसमें ऑरम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोने का हाइड्रोक्साइड होता है, गोल्ड हाइड्रोक्साइड होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस करता है, साथ ही साथ यह एंटीबायोटिक और एंटी टॉक्सिक इफेक्ट भी इसका होता है। इसकी वजह से चेहरे पर ग्लो आता है। इसमें क्रिएटिनिन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C4H9N2O2, जो जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करता है। यूरिक एसिड होता है जो डाई यूरेटिक इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से गठिया के रोग और दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाय के दूध की। दोस्तों गाय का दूध आज दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है और दुनिया का एक सबसे उभरता हुआ मार्केट भी इस समय होने वाला है, क्योंकि हम जो गाय का दूध पीते हैं वो सारे प्रकार के दूध हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल नहीं है। जैसे नेचर में डी ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल होता है, दूसरा एल ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए एल फ्रक्टोज काम का होता है, डी फ्रक्टोज हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं होता है, वैसे ही गाय का दूध दो प्रकार से होता है, A1 और A2। जो A1 टाइप का दूध होता है वह क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू वाले गायों में पाया जाता है, जर्सी गायों में पाया जाता है, जबकि जो भारत की देसी गाय है, जो भारत की देसी ब्रीड है, उसमें A2 टाइप के दूध होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गाय का दूध मां के दूध के जैसा होता है। इसमें वाटर 86% होता है। इसमें लैक्टोज जो दूध में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक शुगर होता है, जो 4.6% होता है। गाय के दूध में फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में ग्रोथ भी करता है, चमक भी लाता है, वो 4.65% होता है। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स तो बहुत ही कम होते हैं, 0.54 होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं 3.4%। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में, दूध में जो होता है वो केसिन प्रोटीन होते हैं, जिसमें बीटा केसिन 27% होता है, के प्रोटीन्स 99% होता है, और अगर अल्फा प्रोटीन की बात करें, अल्फा प्रोटीन 36% होता है। इसमें 27% पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स होते हैं।
गाय के दूध में सिस आइसोमर ऑफ लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर हम आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। इसमें दोनों जो डबल बॉन्ड है वो सिस फॉर्म में है, इसलिए इसको सिस लिनोलिक एसिड बोला जाता है। गाय के दूध में के गुणवत्ता को यानी A2 टाइप के गाय के ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य है कि A2 टाइप मिल्क देने वाले गाय के ब्रीड को बढ़ावा दिया जाए। अब दोस्तों एक बात होती है कि गाय के दूध में कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ये आपको मैंने समझाया। आपने पंचगव्य के बारे में समझा कि पंचगव्य में क्या क्या होता है, पांच गाय से मिलने वाले पांच पदार्थों का समन्वय होता है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक सवाल होगा, किस रेशियो में हमें लेना है। तो दोस्तों ये जो पांचों पदार्थ हैं, इनको, जो पांचों सब्सटेंस और पांचों मटेरियल्स हैं, इनको हमें बाई वेट, वजन के आधार पर पांच बराबर भागों में इनको लेते हैं, इसको स्वल्प पंचगव्य कहा जाता है। इक्वल रेशियो में, इक्वल अमाउंट में, इक्वल वेट में हमें पांचों मटेरियल्स को लेना है, और इन पांचों को इक्वल अमाउंट में आप लेते हैं तो ये पंचगव्य बनता है। ये बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सभी प्रकार के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इसके साथ साथ यदि कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि गाय के दूध में देसी गाय के ब्रीड को आप बढ़ावा दीजिए, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और आने वाले समय में यही दूध के उद्योग में, जो गाय के दूध का उद्योग है, दूध के उद्योग में गाय के दूध का बढ़ावा होगा, उसमें A2 टाइप यानी देसी गाय के ब्रीड को ही बढ़ावा दिया जाएगा। ये हमारी जरूरत है, हमारी संस्कृति को, अपने संस्कृत की चीजों को समझें, उसके पीछे के लॉजिक को समझें, उसके बारे में पढ़ाई करें, उसके बाद रिसर्च पेपर पढ़ें। हाँ, अब बात रही इससे हमने ये सारी चीजें कहाँ से लिया, तो ये रिसर्च पेपर यहाँ पर हमने सीधा कॉपी पेस्ट किया है, आपके साथ ये साझा किया जा रहा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा हमारे रेफरेंसेस।